Hello everybody, a very very good evening. Welcome to an academy. आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर सीरीज में. मैं हूँ प्रियंका उपाध्याय और आप लोगों के साथ आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ. नाउ जो लोग नए हैं आज क्लास में उन लोगों को मैं बता दूँ कि ये हमारी एक क्विज सीरीज है जो कि 2 अप्रैल से अभी चालू हुई है और डेली बेसिस पे शाम को 6 बजे हमारी क्लासेस रहती हैं जहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट कुछ करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एमपी का एक लोकेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप और पिछले दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज हमारा फोकस रहेगा कुछ इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पे और मैप का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को दिन में दिया हुआ था यूट्यूब और टेलीग्राम पे एज अ क्वेश्चन डेली अपडेट होता है. दिन में 12-12:30 बजे वो क्वेश्चन अपलोड हो जाता है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जहां पर क्वेश्चन हमारा है कि हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है. ठीक है, इज इट 15 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या 13 अप्रैल. तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल. हिमाचल डे जो है वो हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखेंगे तो हर साल जैसे अभी हमने बात की कि 15 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है एज हिमाचल डे. ठीक है, हिमाचल दिवस के रूप में ये मनाते हैं हम और इसका जो फॉर्मेशन है मतलब इसका जो गठन है वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 में. ठीक है, तो इसी दिन जो है पब्लिक हॉलिडे रहती है 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में क्योंकि वो उसका फॉर्मेशन डे रहता है. ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इन 1948 एज द प्रोविंस ऑफ द चीफ कमिश्नर. ठीक है, और उसी के बाद में 25 जनवरी 1950 में यहाँ पर इसको एक सी कैटेगरी स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था. सी कैटेगरी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर एक फॉर्मर कमिश्नर का रूल किसी भी सिटी में जब डिक्लेयर कर देते हैं तो वो आपका एक सी कैटेगरी स्टेट कहलाता है. ठीक है, तो 1950 में जो हिमाचल प्रदेश था उसको सी कैटेगरी स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था और 1956 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था. क्या? हिमाचल प्रदेश. नाउ 1966 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब का कुछ रीजन मतलब वहां कर कहां के जो आपके कुछ पहाड़ी क्षेत्र थे उसको इंक्लूड कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में. उसके बाद 1970 की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पार्लियामेंट है जो संसद है उसने हिमाचल प्रदेश अधिनियम को पारित किया था तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. तो ये आपके कुछ डिफरेंट ईयर के डेवलपमेंट्स हैं जहां पर हमने बताया कि कब उसको जो है डिक्लेयर किया गया था एज अ सी कैटेगरी स्टेट. ठीक है, कब उसको फिर जो है यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया हुआ है, कब पंजाब के कुछ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे वो हिमाचल का पार्ट बने हैं. तो ऐसे कर करके जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंटल चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पर मैंने आपको ईयर वाइज बताया हुआ है. ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे जो है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी एवरी ईयर. ठीक है, ये हमारा 18वां जो राज्य है वो बना था इंडिया का. नाउ हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है. हिमाचल प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र. ठीक है, पूरा जो स्नो कवर्ड एरिया है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिमाचल प्रदेश का. ठीक है, इट इज अ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट इन द हिमालयस, एक उत्तरी भारतीय राज्य है ये. इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो इसका कवरेज है टोटल एरिया कवरेज है वो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर. जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में वो है हिंदी और संस्कृत. ठीक है, प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है जयराम ठाकुर और जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के उनका नाम है बंदारू दत्तात्रेय. ठीक है, तो ये आपकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई है रिलेटेड टू द स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश. नाउ ये आप देख सकते हैं पूरा उसका मैप मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, दैट इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अशोक देसाई का हाल ही में निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे. क्या वो एक लेखाकार थे, बैंकर थे, अटॉर्नी जनरल थे या फिर कलाकार थे. अब जिन लोगों को इसका मतलब क्लियर नहीं है अटॉर्नी जनरल कौन होता है, ये कोई भी कंट्री का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ठीक है वो कहलाता है अटॉर्नी जनरल और उन्हीं के पद में उन्हीं के जो नीचे पद में रहते हैं उनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल. ठीक है,
तो अशोक देसाई जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है वो एक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, हमारी कंट्री के अटॉर्नी जनरल जो है वो रहे हैं, ठीक है। इनके निधन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2020 में इनका निधन हुआ है, जो कि हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री के जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये सीनियर एडवोकेट रहे हैं, ठीक है। जब ये अटॉर्नी जनरल थे तो 1996 से लेकर 1998 पूरे 2 साल तक, या पूरा जो आपका 2 ईयर्स का ड्यूरेशन था वहां पर इन्होंने एज अ अटॉर्नी जनरल में काम किया है। सॉलिसिटर जनरल जो इस पद के नीचे रहता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये रहे हैं 1989 से लेकर 1990 तक, ठीक है। इनको पद्म भूषण और लॉ ल्यूमिनरी अवार्ड्स, ठीक है, क्योंकि आपके कानून के फील्ड में इनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इन्होंने पद जो है वो संभाला हुआ है अलग अलग ड्यूरेशन में, तो इसीलिए इनको ये लॉ ल्यूमिनरी अवार्ड्स जो कि कानून के क्षेत्र में दिया जाता है, लॉ की फील्ड में दिया जाता है, वो इनको मिला हुआ है 2001 में, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2001 में ही, ठीक है। इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो शुरू की थी 1956 में बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड वाज डिजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट इन अगस्त 1977, ठीक है। तो 1956 में इन्होंने अपनी पूरी जो वकालत है वो शुरू की थी, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में ये नामित इनको किया गया था 1977 में। तो काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे लॉ रिलेटेड मतलब वो हैं केसेस हैं वो इन्होंने यहाँ पर हैंडल किए हुए हैं, जिसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको लिखी हुई है ना, कि अलग अलग जो केसेस हैं हमारे काफ़ी जो न्यूज़ में रहे हैं, नरसिम्हा राव केस है, विनीत नारायण केस है, नंदिनी सुंदर केस है, तो सारे केसेस को इन्होंने हैंडल किया हुआ है, या इन्होंने जो अपना गाइडेंस है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया है टू हैंडल दीज केसेस, ओके। सो ही वॉज मिस्टर अशोक देसाई, जिनका 13 अप्रैल अभी 2020 को निधन हुआ है, जो कि हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे हैं, एंड ही इज अ पद्म भूषण अवॉर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड 19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए आयु सिंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ डिजिटल स्टेथोस्कोप कॉल्ड आयु सिंक टू चेक पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड 19। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT मुंबई ने जितने भी हमारे जनरल स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया है, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि कोविड 19 पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा लोग, मतलब बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, और वो इन्फेक्शन जो है वो ना फैले या उसकी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ये जो डिजिटल स्टेथोस्कोप है वो अभी डिज़ाइन किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे ने डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसका नाम है आयु सिंक, और वो उन सारे पेशेंट्स को चेक करेगा जो कोविड 19 से अभी संक्रमित हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। तो जितने भी कन्वेंशनल स्टेथोस्कोप है, मतलब जितने भी सामान्य हमारे वो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जहाँ पर आप हार्ट बीट या पल्स रेट जो है वो चेक करते हो स्टेथोस्कोप के द्वारा, तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है ना। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारा कोई सामान्य स्टेथोस्कोप हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर संक्रमण का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्वास्थ्य पेशेवर हैं, उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए, ये संक्रमण ना फैले, इस वजह से इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया हुआ है, ओके। नाउ द बेसिक वर्जन ऑफ द डिजिटल स्टेथोस्कोप कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द मोबाइल और लैपटॉप थ्रू अ वायर और वाया ब्लूटूथ, ठीक है। अभी जो डिजिटल स्टेथोस्कोप रहेगा यहाँ पर, इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी वायर से, कोई लैपटॉप से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप एक प्रॉपर चेक कर पाओ कि किसी का हार्ट बीट या कोई अगर पल्स रेट अगर कोई व्यक्ति चेक कर रहा है तो वो प्रॉपरली पूरा स्क्रीन पे उनके दिख जाए। इस वजह से ये जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कह सकते हैं, या एक रीफॉर्मेशन जो है जनरल वाले स्टेथोस्कोप में, इसको किया गया है टू द डिजिटल वंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आयु सिंक, ये इसका नाम है आयु सिंक डिजिटल डिवाइस, जो ये डिज़ाइन की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा, इसको डिज़ाइन किया गया था आयु डिवाइसेस। ये IIT बॉम्बे का ही एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है आयु डिवाइसेस, और इनके साथ साथ में बेटिक नाम का एक सेंटर है या एक संस्थान है जो हम बोल सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर इसको जो है अभी लॉन्च किया हुआ है, जो कि कहलाएगा आपका आयु सिंक डिजिटल स्टेथोस्कोप, ठीक है। बेटिक का नाम क्या है, इट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है।
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र, ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, जिसने अभी IIT बॉम्बे के स्टार्टअप कंपनी के साथ में मिलकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सिक्योर करने के लिए, या रादर ये जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा से ज्यादा ना बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए ये जो डिजिटल स्टेथोस्कोप का लॉन्चिंग है वो किया हुआ है। ओके, IIT बॉम्बे के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके जो निर्देशक हैं उनका नाम है शुभाशीष चौधरी। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1958 में, ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट है उसको डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1961, ठीक है, मतलब वर्ष 1961 में संसद अधिनियम द्वारा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यहाँ पर घोषित किया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज IIT बॉम्बे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य त्योहार मेरू जात्रा, ठीक है, मेरू जात्रा नाम का जो आपका एक नृत्य त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जाता है, इज इट तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो है यहाँ पर सही आंसर होगा जहाँ पर मेरू जात्रा, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में मेला बोलते हैं वैसे ही उड़ीसा में जो मेला है या अगर कोई भी गैदरिंग होती है लोगों की तो उसको जात्रा बोला जाता है, ठीक है, तो ये मेरू जात्रा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में, ठीक है। अब क्योंकि COVID-19 की वजह से पूरे नेशन में, पूरे हमारे भारत में जो है लॉकडाउन अभी है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, तो जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का उन्होंने अभी मेरू जात्रा फेस्टिवल को बैन कर दिया है, ठीक है, तो उन्होंने जो आपका गंजम जिला प्रशासन है उन्होंने 13 अप्रैल 2020 को, ठीक है, जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर ये आपका संक्रांति के अवसर पर जो ये आपका फेस्टिवल मनाया जाता है उसको अभी बंद कर दिया है या उसको अभी बैन कर दिया है। अगर इस यात्रा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर लोग अपने आप को, ऐसा उनका मानना है कि अगर हम अपने आप को बहुत कष्ट अगर देते हैं, अगर हम आग पे चलते हैं, अंगारों पे अगर चलते हैं, तो उससे भगवान बहुत खुश होंगे और उससे हमें जो है वरदान या कोई भी जो ब्लेसिंग या आशीर्वाद है उनके द्वारा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो दंड नात ये एक तरीके का 21 दिन का इनका सेलिब्रेशन करने का ये तरीका होता है जिसको हम कहते हैं दंड नात, ठीक है, जिसका मतलब इसी दिन, जैसे 21 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसी दिन ये मेरू जात्रा जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 21 दिन तक पूरा जो फोक डांस है वो चलता है, जो अंगारे होते हैं उस पर ये लोग चलते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं लोग, जिससे कि उनकी ये मान्यता है कि जो भगवान है या जो भाई देवी देवता है वो बहुत खुश होंगे और उनको जो है वरदान मिलेगा या उनको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया दंड है ना, दंड का मतलब क्या होता है, एक तरीके का सेल्फ सफरिंग है, स्व पीड़ा कहते हैं उसको, जिसे दांडू है ना, त्योहार में भाग लेने वाले लोग, अब जो लोग इस त्योहार में भाग रहते हैं लेते हैं उनको दांडू बोला जाता है। तो इनका मानना है कि ये अपने आप को दंड देते हैं जिससे कि माँ काली है ना, जो गॉडेस काली है वो बहुत खुश होंगी और उनको एक रिस्पेक्ट देने का ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मतलब हम कह सकते हैं कि तरीका है जहाँ पर ये भगवान शिव और पार्वती उनकी भी इसी तरीके से वो पूजा करते हैं, जहाँ पर खुद को वो सफर करवाते हैं, खुद को बहुत पीड़ा देते हैं और जो है उनको लगता है कि एक तरीके की श्रद्धा, मतलब एक श्रद्धा जो है वो कोट कर रहे हैं माँ काली, भगवान शिव और पार्वती जी के लिए, ठीक है। तो इस पूरे त्योहार के दौरान सभी लोग, जितने भी हमारे लोग वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं फेस्टिवल में, वो नाच गाना है ना बिल्कुल डांस करते हैं धूल में, बिल्कुल भर तपती में या धूप में वो लोग पूरा डांस करते हैं दिन में, ठीक है, और शाम के टाइम पे भी जो तालाब है वहां पर आसपास इकट्ठे होके सभी लोग डांस वगैरह करते हैं एंड एंजॉय करते हैं अपनी इवनिंग, ठीक है। ऑल्सो एट मिडनाइट दंडू पीपल गो ऑन फायर, ठीक है, और आधी रात को इनकी ये प्रथा है कि जैसे कुछ अंगारे वहां पर बिछा दिए जाएंगे किसी भी एरिया में और वहां पर उन लोगों को चलना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक तरीके की वो श्रद्धा शो करते हैं सारी देवी देवताओं को। तो इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है इस त्योहार की, वो बोला जाता है कि 8th-9th AD है ना, मतलब 8वीं से 9वीं ईस्वी के बीच ये बोला जाता है कि तब से ये प्रथा या ये तब से जो मनाने का इनका तरीका है वो चलता आ रहा है, जहां पर जब बुद्धिज्म आपका खत्म हुआ था और तब से उसी सदी से या उसी ईस्वी से ये जो त्योहार मनाने का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो मना रहे हैं उड़ीसा में, ठीक है, जिसका नाम है मेरू जात्रा। तो ये आप देख सकते हो एक बहुत ही भयानक ये इमेज है जहां पर चारों तरफ आपको आग दिख रही होगी और वहां पर इन सभी फायर वर्क के साथ में, पूरे आग के साथ में ये लोग जो है जूझते हैं और अपने आप को उस पे मतलब एक्सपोज करते हैं, जिससे इनको लगता है कि एक तरीके का मतलब एक ऑफरिंग है भगवान के लिए, है ना, कि भगवान ये सब देखकर जो है वो खुश होंगे।
ठीक है। हाँ, जैसे चूल निकलता है, बिल्कुल सही। नरसिंह डांगी ने लिखा है कि चूल निकालना कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एमपी में। एग्जैक्टली, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा तो जो चूल निकलता है जहां पर अंगारों पे चलते हैं वो लोग, तो सेम पैटर्न का यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है इन उड़ीसा। ठीक है, चलिए, आप लोगों के कमेंट्स थोड़े स्लो स्लो आ रहे हैं, इसीलिए मुझे जिसका भी कमेंट दिखता जा रहा है मैं रिप्लाई करती जा रही हूँ। ओके, आप मंदसौर से हैं नरसिंह, स्वागत है आपका क्लास में सर, बिल्कुल आइए। और शायद आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डेली ज्वाइन करो, डेली हमारी 6 बजे क्लास रहती है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किसे जेम्स बुलो लॉन्सिंग की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये थोड़ा सा आपको टिपिकल वर्ड लग रहा होगा, जेम्स बुलो लॉन्सिंग, हम बड़े स्टाइल से बोलते हैं ना कि हमने JBL खरीदा है ना। JBL सबने सुना होगा कि JBL जो आपके ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, है ना, जिससे कि आप बिल्कुल तेज तेज आवाज में म्यूजिक चला पाते हो, तो वो JBL का ही यहाँ पर फुल फॉर्म है, दैट इज जेम्स बुलो लॉन्सिंग। ठीक है, तो अभी रिसेंटली किसको JBL का जो है राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है, यानी कि अम्बेसडर जो है उनको नियुक्त किया गया है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, सारा अली खान, है ना। सारा अली खान को अम्बेसडर नियुक्त किया गया है JBL का। जो लोग नहीं जानते हैं JBL क्या होता है, JBL आपका एक तरीके का हम कह सकते हैं कि पोर्टेबल ऑडियो डिवाइस है ना, जहां पर आप ब्लूटूथ से अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का ऑडियो या जो साउंड है वो आपको सुनने को मिलता है ना, दैट इज JBL। तो यहाँ पर अभी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं सारा अली खान, उनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक ऑडियो इक्विपमेंट मेकर है JBL, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जेम्स बुलो लॉन्सिंग। नाउ सारा अली खान जो है वो JBL के कई सारे एडवर्टीजमेंट्स में अभी आपको दिखेंगी, ठीक है, जिन्होंने एक कैंपेन चला रहे हैं JBL वाले, जिसका नाम है लिव इट रियल लिव इट रॉ। ठीक है, जहां पर इसको रणवीर सिंह ने भी पहले जो है वो दिख चुके हैं इस कैंपेन में, और अभी सारा अली खान जो है वो यहाँ पर दिखेंगी इस कैंपेन में, जो कि JBL के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये अभी जो ब्रांड एडवर्टीजमेंट है ये अभी कुछ दिन पहले ही JBL के द्वारा रिलीज किया है, तो सोशल मीडिया के अलावा और भी अदर अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट्स अपना कर रहे हैं, ठीक है, JBL। सो JBL के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक अमरीकी ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी, और जेम्स बुलो लॉन्सिंग ये उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इसको स्थापना जिसकी की है, संस्थापक जो है वो उनका नाम है जेम्स बुलो लॉन्सिंग। ठीक है, इनके जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो प्राथमिक उत्पाद हैं वो है लाउडस्पीकर, और जितने भी संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और जेम्स बी लॉन्सिंग जो इसके संस्थापक है, उन्होंने इसको 1945 में इसकी खोज की थी, या रादर इसको सेटअप किया था आफ्टर लीविंग अल्टेक लॉन्सिंग एज इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, जहां पर इन्होंने अल्टेक लॉन्सिंग जो व्यक्ति हैं इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। ओके, सो दिस इज वॉट इज मेंट बाय JBL, जिसके बारे में अभी हमने बात की, और द वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट लेडी सारा अली खान, शी इज द एम्बेसडर फॉर दिस कंपनी। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो पट्टचित्र चित्रकारी के संदर्भ में ये जो अब मैंने नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग के मैटर को लेकर कौन से दो स्टेटमेंट है जो आपको सही लग रहे हैं, ये आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है या टू सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ये है कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय कला रूपों में से एक है, ये एक बात हो गई। सेकेंड पॉइंट है कि पट्टचित्र का नाम लैटिन शब्दों से लिया गया है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक, है ना। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, जहां पर ये उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ठीक है, जो हम लोग कैनवस पे पेंटिंग करते हैं या जितने भी आर्टिस्ट जो कैनवस पे कपड़े पे जो आपकी चित्रकला या जो पेंटिंग है वो करते हैं, उसको कहा जाता है ये पट्टचित्र। उड़ीसा का ये एक क्राफ्ट वर्क है, ठीक है, जो कि वहां के लोग फॉलो करते हैं। नाउ इसका जो शब्द है, ये जो पट्टचित्र है, ये लैटिन नहीं है बट ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, संस्कृत शब्दों से बना हुआ है ये पट्टचित्र, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आगे। ओके, सो ड्यू टू COVID-19, अभी क्योंकि कोरोना का प्रकोप पूरे देश भर में विश्व भर में पूरा फैला हुआ है, तो काफी सारे लोग जो पट्टचित्र पेंटिंग में अपना गुजारा जिसे कर पाते हैं, उसको बनाकर उसको बेचकर कुछ पैसे जो कमा पाते हैं, वो अभी कम्प्लीटली ठप हो गया है, बिल्कुल उसमें
जो लोग हैं इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उस प्रोफेशन में, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना, एक बहुत ही पुराना और लोकप्रिय कला रूप है ये उड़ीसा स्टेट का। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके नाम के बारे में अगर बात की जाए तो ये संस्कृत शब्दों से आया है ना। पट्टा मतलब क्या होता है, कैनवस यानी कि कपड़ा। पट्टा जो हम बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में वो कहलाता है आपका कपड़ा। और चित्र का मतलब होता है ड्रॉइंग। तो पट्ट चित्र से नाम आया है ये, जहां पर आप क्लॉथ पे या कोई भी व्यक्ति जब क्लॉथ पे पेंटिंग करता है तो दैट इज पट्टा चित्रा, जो कि उड़ीसा की एक बहुत फेमस या जो हम कह सकते हैं लोकप्रिय कला रूप है। ओके, सो यहाँ पर जो पेंटिंग है वो की जाती है कैनवस में, जहां पर काफी सारे जो ब्राइट और बहुत बढ़िया से कलर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल डिजाइंस यहाँ पर यूज की जाती है और बिल्कुल कुछ थीम पर, है ना, कुछ भी थीम है। जैसे अगर हम लोग मान लें कि कोई ट्राइबल एरिया का कोई लोगों के बारे में चित्र बनाना है, या हम देखते हैं ना कोई माँ बच्चे हैं, कोई माँ है जो अपने बच्चे का ख्याल रख रही है या उसको खाना खिला रही है, या मतलब कोई भी जनरल सा सब्जेक्ट लेकर, कोई भी जनरल सा थीम लेकर यहाँ पर वो पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब बहुत सारे यहाँ पर जो पॉपुलर थीम्स जो कि फॉलो की गई है इस आर्ट में, वो है थिया बदिया, जहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ है उनके कई सारे रूपों को जो है पेंट किया जाता है, ठीक है। कृष्ण लीला, दैट इज जगन्नाथ एज लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, उनको कृष्ण जी का जो रूप बनाया हुआ है और इसकी पेंटिंग यहाँ पर की गई थी, इस थीम पे मतलब पेंटिंग की जा चुकी है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज पावर्स एज अ चाइल्ड, दसबात्रा पत्ती, 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, मतलब भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसकी भी पेंटिंग्स की गई है पट्टा चित्र वाले जो आपके कला फॉर्म है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ भगवान के भी थीम्स रखकर बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं उड़ीसा के लोगों के द्वारा। ओके, नाउ ये जो कैनवस है इट इज ड्रॉन इन द ट्रेडिशनल वे व्हेन पेंटिंग पट्टा चित्रा ऑन क्लॉथ, ठीक है। इसका जो बेस होता है, मतलब जो आपका पूरा हम कह सकते हैं कि कैनवस है, वो कैसे बनता है, यहाँ पर पूरा एक कपड़ा पूरा उसको टाइटली लगा कर उसको पूरा व्हाइट कलर का पूरा जो चॉक पाउडर होता है उसे पूरा उसको कोट करेंगे, और एक गम यानी कि गोंद बनाया जाता है इमली के बीजों से, ठीक है। तो उसकी पहले पूरी कोटिंग यहाँ पर की जाती है उस पूरे कैनवस पे और फिर उस पर पेंट किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि उसके जो पहले किनोर है, जितनी भी उसकी एजेस है उसको पहले बनाते हैं, और फिर काफी जो ब्राइट कलर्स हैं जैसे लाल है, येलो कलर्स हैं, व्हाइट, ब्लैक कलर्स, बहुत सारे कलर्स यहाँ पर यूज करके इस चित्र को जो है यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखो कितनी ब्यूटिफुली यहाँ पर जो है डिपिक्ट किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने पूरे एजेस को पहले बनाकर और फिर बहुत ब्राइट कलर्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज द पट्टा चित्रा पेंटिंग। ओके, चलिए आगे बढ़े। 7th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोविड ज्ञान वेबसाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। Who among the following has launched the COVID ज्ञान वेबसाइट? COVID ज्ञान वेबसाइट से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी नई जानकारी, जितने भी अपडेट्स, जितने भी नए पहल लिए गए हैं अलग अलग संगठनों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग आपके कॉरपोरेशंस के द्वारा, वो पूरा जानकारी का जो हब है वो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट में मिलेगा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा मेमोरियल सेंटर, इन तीनों के द्वारा ये जो हमारा कोविड ज्ञान वेबसाइट है वो अभी लॉन्च किया हुआ है। इसका पर्पस मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एक ही जगह पर सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है, एक जेन्युइन और ऑथेंटिकेटेड जानकारी यहाँ पर हमें मिल पाए कोविड-19 से लेकर क्या क्या हमारे पहल लिए गए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं पढ़ना, वो सारी चीजें यहाँ पर इस वेबसाइट पे दी जाएगी। तो 3 यूनिट्स ने मिलकर इस कोविड ज्ञान वेबसाइट को बनाया है, जिनमें कौन कौन से यूनिट्स इंक्लूडेड हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 महामारी है उसके वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं को सार्वजनिक डोमेन, बहुसंस्थागत, बहुभाषी विज्ञान संचार पर लाना है, ठीक है। तो काफी सारी दूसरी भी एजेंसीज हैं, जैसे अगर हम लोग विज्ञान परिसर की बात करें, है ना, इंडिया बायोसाइंस, बैंगलोर लाइफ साइंस क्लस्टर, ठीक है, जहां पर आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। कोविड ज्ञान के बारे में अगर मैं आपको बात करूंगी या इसके बारे में मैं बताऊं, तो ये जो हमारे अलग अलग सोर्सेज को हमें रेफर ना करना पड़े और एक सिंगल प्लेटफॉर्म हमें मिल पाए
जहाँ पर हम सभी रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है कोविड का, कैसे उससे बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, क्या क्या पहल लिए जा रहे हैं अलग अलग यूनिट्स के द्वारा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे मिल पाएगी। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में, कोविड के बारे में, और सभी से कुछ सजेशंस लेते हुए कैसे हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, कैसे इसको बंद किया जा सकता है या रोका जा सकता है, उसकी एक पहल करना या रादर उसको डेवलप करना, ये इस वेबसाइट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दैट इज कोविड ज्ञान वेबसाइट। सो यहाँ पर एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिपोजिटरी का मतलब होता है कि एक भंडार, जो एक बैकअप हम बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन का जो बैकअप क्रिएट किया जाता है वो प्रोवाइड करेगा हमारा ये वेबसाइट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक व्यक्ति से पूछने के बाद में ही हमने सारा जो डेटा है इस वेबसाइट में डाला जाएगा या उसको अपलोड किया जाएगा। जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, जितने भी एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे इन्फोग्राफिक्स हैं, जितने भी पोस्टर्स हैं, वीडियोस हैं, जो आपके ऑथेंटिकेटेड ऑफिसेस हैं, एजेंसीज हैं, वहाँ से सबसे इन्फॉर्मेशन या जो डेटा है वो कलेक्ट करके ही इस वेबसाइट में पोस्ट किया जाएगा, जैसे कि सभी लोग जो ऑल ओवर नेशन में सिटीजन्स हैं या जो नागरिक हैं वो अपडेटेड रह पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वेबसाइट है, कोविड ज्ञान वेबसाइट का जो लिंक है दैट इज हियर। लाइक अगर आप लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहो तो यू कैन प्लीज डू इट, दैट इज कोटेड हियर। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू द लोएस्ट लेवल इन मार्च 2020 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये गिरकर हो गई है कितनी, 38.2%। ठीक है, 38.2% तक, परसेंटेज तक का जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी गिर गया था मार्च 2020 में। ओके, चलिए, तो इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी कम होकर मतलब इतने दर तक जो है वो अभी गिर गया है मार्च 2020 में। ठीक है, मार्च 2019 की अगर मैं बात करूंगी तो दैट वॉज 42.7%। ठीक है, ये तब का रेट है मार्च 2019 का, और अभी जो LPR देखा गया है, जो आपका ये एम्प्लॉयमेंट रेट का जो डिक्लाइन है वो देखा गया है, दैट हैज डिक्लाइंड, वो डिक्लाइन हुआ है जनवरी और मार्च 2020 के बीच में भी, जहां पर 2020 में इट वाज 42.96 और अभी मार्च 2020 में वो हो गया है 41.9%। ठीक है, तो यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मार्च 2020 में 8.7% तक पहुंच गया था, जो कि पूरे 43 मंथ्स में, मतलब अगर हम लोग सितंबर 2016 से बात करें तो अभी तक का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीमेंट है जो कि अभी तक देखा हुआ है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट ये बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे अभी जो है अभी मतलब 3.4% तक जो है वो अभी गिरा था जुलाई 2017 में, बट अ 98 बेसिस पॉइंट इंक्रीज ओवर द प्रीवियस मंथ इन मार्च 2020, द हाईएस्ट मंथली ग्रोथ एवर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको ये रेट याद रखना है, दैट इज 38.4% का, जो कि आपका हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट डिक्रीमेंट रेट था इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज 2020। ओके, चलिए, सो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका एस्टैब्लिश जो हुआ था वो हुआ था 1976 में, एक थिंक टैंक, मतलब ये आपका एक पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी मेकिंग यूनिट है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, जो CIME सर्विसेज हैं ये पूरा जो रेंज कवर करती है ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स, एकेडमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस एंटरप्राइजेस, प्रोफेशनल्स एंड द मीडिया बाय द प्राइमरी डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। मतलब ओवरऑल एक नेशन डेवलपमेंट के लिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए जितने भी हमारे पैरामीटर्स इंक्लूडेड रहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, बिजनेस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट्स हो गए, अकेडमिक्स हो गए, उन सभी से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी मेकिंग या जो पॉलिसी डेवलपमेंट है या उसका जो ट्रैकिंग है वो किया जाता है CIME, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। ओके, चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवंबर दिसंबर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 इन नवंबर दिसंबर। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, भारत जो है वो उसकी मेजबानी करने वाला है। नाउ
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है ना, जहां पर इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है आर के सचेती, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा वुमेन्स और मेन्स एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स को 2020 में नवंबर दिसंबर के दौरान, ठीक है। और उनका कहना है कि तब तक शायद कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो भाई थोड़ा सा अगर कम हो जाएगा तब तक प्रॉबेबली हम लोग इस जो इवेंट को है वो देख पाएंगे या फिर उसको रख पाएंगे, ठीक है। सो अगर वो कंट्रोल में आ जाती है तो इंडिया जो है उसको होस्ट करेगा, ओके। सो ये बोला गया है कि अभी जो होस्ट सिटी है वो अभी एज ऑफ नाउ तो इंडिया है, बट अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर वो BFI या जो हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो उसको पूरा वापस से रीचेक करके या रीडिसाइड करके वो बताएंगे कि कहाँ पर वो रखा जाना है, इन केस अगर सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती है तो, ठीक है। इंडिया ने जो सबसे आखिरी अभी जो मेंस एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया था वो किया गया था मुंबई में 1980 में, जबकि जो वुमेन्स चैंपियनशिप था वो होस्ट किया गया था हरियाणा में, ठीक है, 2003 में, ठीक है। तो हालांकि ये दो साल में एक बार, ये एक बाइनियल इवेंट होता है जो कि दो साल में एक बार ये रखा जाता है, और लास्ट टाइम ही लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ है कि मतलब लगातार दो सालों में ये कंटिन्यूसली मतलब चल रहा है ये इवेंट, दैट इज दी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, अभी तक होस्ट इंडिया है बट अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो BFI के द्वारा फ्लोट किया जाएगा। BFI के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक इंडियन नेशनल गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक बॉक्सिंग के लिए और इंडियाज मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। जो आपका भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है वो ओलंपिक मुक्केबाजी के लिए भारतीय राष्ट्रीय शासी निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर मुक्केबाजी संघ में भारत का सदस्य संगठन है, ठीक है। इसको इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो प्रमुख यानी कि हेड है उनका नाम है अजय सिंह, ओके। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को स्थापित की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनर विद BEL दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा एम्स ऋषिकेश, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश ने BEL के साथ में मिलकर एक रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को अभी लॉन्च किया हुआ है या रादर सेटअप किया हुआ है, ठीक है। सो यहां पर मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड का जो पोजिशन एम्स ऋषिकेश है उन्होंने BEL के साथ में मिलकर ये रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जहां पर वो लोग मॉनिटर कर पाएंगे COVID-19 पेशेंट्स को, ठीक है। इसको ये जो पूरा सिस्टम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि COVID-19 के पेशेंट्स को ट्रैक किया जा सके, ठीक है, उनको पूरा ट्रेस किया जा सके, उसके लिए ये लोग जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये अलाउ करेगा डॉक्टर्स को टू मॉनिटर द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन ऑफ पेशेंट्स रिमोटली, ठीक है। मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दूर एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जितने भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उन लोगों का टेम्परेचर यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं COVID-19 के वो यहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा चेक किए जाएंगे डॉक्टर्स बाय द डॉक्टर्स इन उत्तराखंड, ओके। सो अलॉन्ग विद दिस इसके साथ साथ में एक वेबसाइट भी यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है जिससे कि जो भी पेशेंट है वो इन्फॉर्म कर सकता है डॉक्टर्स को जो कि एम्स ऋषिकेश के हैं, अपनी बीमारी के बारे में वो डॉक्टर्स को बता सकते हैं एट द टाइम ऑफ सिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट का जो मदद है वो लेकर डॉक्टर्स को अपनी इलनेस या जो भी अगर उनको परेशानी लग रही है या वो बीमार फील कर रहे हैं, कुछ उनको सिम्टम्स लग रहा है रिलेटेड टू COVID-19, तो अपने घर बैठे ही वो इन मोड्स के थ्रू अपने डॉक्टर्स को बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम है ये कुछ मॉनिटरिंग किट्स भी प्रोवाइड करेगा पेशेंट्स को व्हेन दे आर सस्पेक्टेड ऑफ COVID-19, ठीक है। कुछ यहाँ पर किट्स उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव अगर डिक्लेयर होता है या अगर उनको सिम्टम्स लग रहे हैं COVID-19 के तो ये कुछ मॉनिटरिंग किट्स यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी फिलहाल ये जो सिस्टम है ये यूज किया जा रहा है काफी मतलब विश्व के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर यूज किया जा रहा है टू अवॉइड द COVID-19 स्प्रेड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन जहां पर एम्स ऋषिकेश और BEL ने मिलकर ये अभी पहल चालू की है जहां पर COVID-19 के पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कर्नाटक में। अगर BEL की हम लोग बात करेंगे
तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में. जो एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है एमवी गौतमा और एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना जो है उसकी हुई थी 1954 में. तो ये आपका स्टैटिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू बीईएल. नाउ ये एक आपका मैप का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ था आपको, है ना, जहां पर तीन हिंट्स आपको दी गई थी कि युवराज प्रयागदास द्वारा निर्मित किले के आधार पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा. ठीक है, इस किले में रंगमहल नामक सुंदर इमारत है और गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से युक्त यहाँ पर अभिलेख है. ठीक है, तो इस स्पॉट का नाम क्या है? इस स्पॉट का नाम है विजय राधोगढ़. ठीक है, विजय राधोगढ़ जो कि आपका कटनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. ठीक है, कटनी डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वहां पर ये आपका विजय राधोगढ़ है जो कि आपका एक काफी ऐतिहासिक ये एक फोर्ट यहाँ पर बना हुआ है 1826 का. ठीक है, काफी सारे यहाँ पर आप देवी के जो मंदिर हैं, जो आपकी अलग अलग गॉडेसेस हैं, अलग अलग जो देवियां हैं जो पूजी जाती हैं हिंदू कल्चर में, तो उनकी काफी सारी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं. और युवराज प्रयागदास द्वारा निर्मित किले के आधार पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा है विजय राधोगढ़. ठीक है, इस किले में रंग महल नाम का एक बहुत ही सुंदर इमारत है, रंग महल नाम का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है यहाँ पर, और गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से युक्त यहाँ पर काफी सारे अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे. सो 1826 के काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोर्ट्स जो है, हिस्टोरिकल फोर्ट्स जो है यहाँ पर बने हुए हैं जो कि आपका स्थित है कटनी डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो ये आंसर था आपके मैप के क्वेश्चन का जो आपको अपलोड किया गया था इन दी यूट्यूब एंड दी टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कुछ 10 क्वेश्चंस के बारे में बात की है और मैप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है. हम लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे वापस, 6 बजे हमारी क्लास रहेगी. तो जितने भी लोग हैं आप लोग प्लीज टाइमली ज्वाइन करें ताकि डेली आपका जो एक करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है, एक जो चंक है वो इकट्ठा होता रहेगा. प्रॉबेबली कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमपी करंट के भी इंफॉर्मेशन या एमपी स्टेट के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ आप लोग टाइमली ज्वाइन करें ताकि एक अच्छा खासा बेस आपका करंट अफेयर्स का प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है गाइस, चलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें, टेक केयर, स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. ठीक है, थैंक यू, जय हिंद.